माननीय प्रधानमंत्री जी की वाराणसी आगमन की तैयारी अब लगभग अंतिम चरण में है और जितने भी आप देख रहे हैं कि स्टॉल्स हैं, लाभार्थी हैं, उनकी रिहर्सल्स हैं और जहां पे भी जिसको जो भी कार्य करने हैं, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, टीम्स को या पब्लिक के लोगों को, वे अपने अंतिम चरण में जुटे हुए हैं और कल उनका आगमन है और आगमन के साथ ही ये दो दिवसीय कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। 19,000 करोड़ से ज़्यादा के 37 प्रोजेक्ट हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। वाराणसी के साथ साथ अब पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े प्रोजेक्ट भी इसमें रखे गए हैं जिसमें हमारे मऊ आजमगढ़ के प्रोजेक्ट हैं, इसी के साथ चित्रकूट, मिर्ज़ापुर, देवरिया, कई ऐसे आसपास के प्रोजेक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से काफ़ी आगे विकास वाले प्रोजेक्ट हैं और उन्हीं का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। रेलवे की इसमें 4 ट्रेन्स का भी शुभारंभ है, साथ ही साथ एक लोकोमोटिव, 10,000वां लोकोमोटिव बनाया है बनारस डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ने, उसका भी शुभारंभ यहाँ से उनके द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने बाहर से भी काफ़ी फोर्स लगाया है और यहाँ का स्थानीय फोर्स के अलावा PAC भी है और RAF वगैरह सबका डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है। SPG भी देख रही है, फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट भी हम लोगों ने लगाए हैं, तो उसको देखते हुए सभी के समन्वय से हम लोग एक अच्छी सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं।